हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड वो खुशखबरी जो हमने 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, 2 दिन पहले, और आपको बताया था कि बोनस मिलने जा रहे हैं, किस प्रोपोर्शन में बोनस मिलने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपने भी थंबनेल में देख लिया है। हाँ जी, 2 शेयर मिलेंगे हर एक शेयर के बदले। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपके पास 300 शेयर हो जाएंगे, 200 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलते हुए नजर आएंगे। तो कौन हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड? IEX से रिलेटेड। IEX ने बोनस अनाउंस कर दिया है, उसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। क्या किस तरीके के रिजल्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि देखिए, कल की डेट में मैंने आपको बताया था कि IEX मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। क्यों किया है, उसके पीछे का सिंपल रीजन था वो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए, IEX यहाँ पर बोनस देने जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए 100 शेयर हो जाएंगे 200, बट अब 100 शेयर 200 नहीं होंगे, 100 शेयर हो जाएंगे 300। तो एक वो न्यूज आ गई है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस से मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ आपको पेड सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको बेहतरीन स्टॉक्स टाइम पे यहाँ पर दिलाए जाएंगे और टाइम पे यहाँ पर सेल करवा जाएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते है और यहाँ पर बात करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। तो हम बात करने वाले IEX से रिलेटेड। IEX में मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये जो शेयर है बेहतरीन शेयर है, 750 रुपए चल रहा है, 250 रुपए का अभी भी मेरे को अपसाइड मूव्स नजर आ रहे हैं इसमें। इसमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम पहले आते हैं न्यूज के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2018 में 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट हुई थी। और अभी अगर हम बात करें बोनस, तो यहाँ पर कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया। और क्या बोनस में अनाउंस किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर द रिकमेंडेड द बोनस इशू ऑफ द इक्विटी शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2 इक्विटी शेयर ऑफ ₹1। मतलब इसकी फेस वैल्यू क्या है, एक तो दो आपको इक्विटी शेयर मिलेंगे, ईच फॉर एवरी वन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर ऑफ 1 ईच हेल्ड बाई द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन अ रिकॉर्ड डेट। मतलब इनकी एक रिकॉर्ड डेट होगी, तब तक अगर आप यहाँ पर ये शेयर रखेंगे, आपके पास जो शेयर है, तो यहाँ पर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो मतलब क्या हो गया, 1:2 का यहाँ पर सेगमेंट होगा, मतलब एक की जगह 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। डेट अगर हम बात करें कब इसकी डेट है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय द, एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं। तो डिटेल्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज है यहाँ पर, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोनस इश्यूज यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफिक प्रपोज टू बी इशूड और टोटल अमाउंट फॉर विच द सिक्योरिटी विल बी इशूड। तो इतने शेयर यहाँ पर इशू किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिए जाएंगे 1 के बदले। और यहाँ पर यहाँ देखे जो भी इनके पास कैश रिजर्व में पड़ा हुआ है 31 मार्च 2021 के, उसके हिसाब से यहाँ पर बोनस। तो अभी अगर बात करें इतने शेयर्स है, ओके okay, और यहाँ पर अगर बात करें बाद में शेयर जब यहाँ पर डिवाइड होते हुए नजर आएंगे और बोनस मिलता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर ये शेयर 2 गुना 3 गुना होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पर रिजर्व्स इनके पास इतना पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व्स ये है इनके पास अवेलेबल इन फ्री रिजर्व्स, तो उसी के बदले में यहाँ पर शेयर दिए जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो। और एक डेट याद रखिए कि ये 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये पूरे के पूरे जो शेयर है आपके क्रेडिट कर दिए गए। मतलब 20 दिसंबर 2021, अभी 20 तारीख को यहाँ पर न्यूज आई थी, तो 20 दिसंबर 2021 को, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर ये देखिए एस्टिमेट डेट बाय विच सच बोनस शेयर वुड बी क्रेडिट और डिस्पैच, आपके अकाउंट में यहाँ पर ये क्रेडिट होते हुए डिस्पैच होते हुए दिखाई दे सकते हैं 20 दिसंबर को। तो विद इन 2 मंथ्स में ये शेयर यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। और 2 महीने में मेरा टारगेट यहाँ पर 1000 रुपीज का है ये इस शेयर के पहुंचने का, तो इस चीज को याद रखिएगा। और मोर देन 1000 भी हो सकता है, जैसे IRCTC में रैली बनी थी, इसमें भी दोबारा बन सकती है। क्यों बन सकती है, इसलिए बन सकती है इसके नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अनऑडिटेड स्टैंड अलोन इनके नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपीज इन लैक्स में यहाँ पर नंबर है, इस क्वार्टर के लास्ट ईयर के नंबर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर देखिए 10,916 लाख रुपीज, 9,000, इससे पहले 7,076। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे जंप है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो 12,106 लाख रुपीज, से पहले 10,237, से पहले 7,935। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे, तो बहुत अच्छी खासी जंप है। और क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और यहाँ पर देखिए टोटल एक्सपेंस भी कंपनी ने घटाते हुए दिखाया है। यहाँ पर देखिए कंपनी के एक्सपेंस घटते
बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एम्प्लॉयज बेनिफिट जरूर बढ़ाया है, यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो कमी है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट डिप्रेंशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बढ़ते हुए नजर आए। अदरवाइज अदर एक्सपेंस यहाँ पर इनके कम होते हुए नजर आए, जिस वजह से टोटल एक्सपेंस 1797 लाख रुपीज से पहले 1840, से पहले 1780। तो ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस थोड़े बढ़े बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस कम हो गए। और इसकी वजह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे टैक्स और यहाँ पर सब कुछ देने के बाद यहाँ पर अगर देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 7810 लाख रुपीज, इससे पहले 6362 और इससे पहले 4670। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। कंपनी ने बता दिया है वी आर द किंग इन द सेक्टर। तो अगर हम देखें कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। इसकी वजह से अगर हम देखें ईपीएस, तो 2.62 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 2.13 रुपए, इससे पहले 1.57 रुपए। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो ये नंबर है काफी बेहतरीन नंबर यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है। और भी कुछ चीज अगर हम देखें, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं देख लेते हैं कुछ अगर हमारे मतलब की चीजें यहाँ पर दिखती है तो ऑब्वियस यहाँ पर जो हमारी मेन न्यूज थी ओके वो यहाँ पर कवर अप होते हुए नजर आई है। यहाँ पर अगर आप कंसोलिडेट नंबर भी देखना चाहे तो वो भी एक बार देख सकते हैं। कंसोलिडेट नंबर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो वही 7738 से पहले 6240 से 4433। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने प्रूव कर दिया है, अच्छे खासे नंबर दिखा दिया है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा है। तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखना चाहते हैं तो देखिए पावर एक्सचेंज से यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना है, गैस एक्सचेंज भी से भी यहाँ पर पैसा, मतलब गैस और पावर दोनों एक्सचेंज सेगमेंट्स में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। इस वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और पैरा, देखिए कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अच्छा खासा देती हुई नजर आती है। इसके अलावा बोनस की न्यूज थी तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर, मतलब एक के बदले कंपनी स्प्लिट भी देती हुई नजर आती है, बोनस भी। देखिए कंपनी यहाँ पर अगर हम देखें एक लंबे टाइम तक ओके 2018 में आती हुई दिखाई दी थी, 17 में 17 से लेके अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2020 में 3 साल कंसोलिडेशन फेज में थी और उसी का भरपाई आज ये करती हुई नजर आ रही है। एक अच्छे खासे यहाँ पर पैसे यहाँ पर बनाए हैं और भी इसमें अपसाइड नजर आती है और ये शेयर और भागते हुए नजर आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट कैपिटल 22,000, मतलब मिड कैप कंपनी है ये। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन 59.46 का। डेट टू इक्विटी यहाँ पर देखिए डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है। यहाँ पर 956 रुपए इसने हाई लगाया था जिस दिन बोनस अनाउंस हुआ था, इसके बाद गिरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर कुछ और पैरामीटर देखे, देखिए यहाँ पर कॉल्स तो कोई है ही नहीं, केवल प्रॉस ही प्रॉस दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब ये चीजें बताती है कंपनी का परफॉर्मेंस। और यहाँ पर देखिए अब सितंबर के भी नंबर ऐड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे दिखाई देगा कि हाईएस्ट एवर नंबर, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी का हाईएस्ट एवर नंबर, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ, तो यही चीज दिखाती है। रिजर्व्स कंपनी के पास 491 करोड़ रुपए के है, इसी की बेसिस पे हमें यहाँ पर बोनस मिलेंगे। बोरिंग कंपनी के पास ना के बराबर है। वर्किंग प्रोग्रेस में 6 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 710, कैश 77 करोड़, जो भी पैसा आता है बुक में। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन 60% के आरओसी पे, 37% की होल्डिंग। एफआईज ने यहाँ पर देखिए नई होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ती हुई नजर आई है। डीआईज की थोड़ी सी कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। और पब्लिक में भी बात करें 38 में से यहाँ पर अगर देखेंगे तो बड़े बड़े लोगों ने अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न तो इसका हायर हाई हायर लो वाला ही है ओके। भागता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर भागता है, फिर कंसोलिडेट करता है। और एक अच्छी खासी लगभग 25% की गिरावट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर शेयर में हो चुकी है। आज के दिन भी यहाँ पर 4% 5% गिरता हुआ नजर आया है, कल के दिन में भी यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो गई थी। तो 25% शेयर ये 3 दिन के अंदर अंदर लुढ़क चुका है। अब इसमें गिरावट के चांसेस बड़े कम है ओके। और अच्छे खासे आरएसआई देखिए, मैं यहाँ पर मैं आपको कल भी बता रहा था कि या तो नीचे के लेवल पर या फिर ऊपर के लेवल पर ही चीजें जब चल रही हो ना, तो फिर वहां पर ही यहाँ पर इसे ट्रेड कर लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आरएसआई 63 के उस पर आ रही है और यहीं पर ही पहले भी देखिए नीचे आई थी तो यहाँ पर इसे मुड़ती हुई नजर आई थी, फिर दोबारा इसी तरीके से मुड़ती हुई नजर आ रही है। ये हायर हाई हायर टॉप बनाते हुए और एज वेल एज यहाँ पर पोल एंड फ्लैग बनाते हुए चीजें निकल रही है। यहाँ पर पोल बना दिया है, अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पर जब इसके डेट आएगी ओके उस तक भी 1000 रुपए तक ये टच करता हुआ मेरे हिसाब से नजर आएगा। अच्छी न्यूज आ गई है, कल के दिन में अच्छी खासी ट्रेडिंग हो सकती है और शेयर और ऊपर भगाया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा शायद कंसोलिडेशन चले बट
25% की गिरावट ऑलरेडी हो गई है, इसलिए ही इसमें गिरावट हुई है ताकि इसे अच्छे लेवल पर यहाँ पर लोग खरीद सके, और बड़े बड़े लोग खरीद सके और फिर उसके बाद अच्छी खासे तरीके से यहाँ पर भगा सके। काफी लोगों ने यहाँ पर जिस दिन बोनस इशू हुआ था इस लेवल पर बल्क ट्रेडिंग करी थी, और काफी एक आध कंपनी ने, एक आध इन्वेस्टमेंट कंपनी ने यहाँ पर बेचे नहीं थे अपने शेयर, कुछ ने बेच दिए थे, कुछ ने नहीं बेचे, तो वो भी यहाँ पर अटके हुए हैं 910 रुपए, 920 रुपए के प्राइस पे। तो इस चीज को याद रखिए, चीजों को ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा, और ये शेयर चल रहा है, और जो चीज चल रही है वो चीज बिकेगी, और यहाँ पर ये, और हम नहीं बोल रहे, ये चीजें बोल रही है इसकी परफॉर्मेंस, ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे जो इसकी परफॉर्मेंस हो रही है, इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो चीज बता रही है कि भाई हम कहीं ऐसे ही पैसे नहीं दे रहे, ऐसे ही हमारा शेयर नहीं भाग रहा, हमारे शेयर रीजन भागने का है हमारी परफॉर्मेंस, जो ये परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रही है। तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए। मेरे को चीजें अच्छी लग रही है, मैंने यहाँ पर कल की डेट में खरीदा था, आई टोल्ड यू ओके, आज की डेट में 4% गिरता हुआ दिखाई दिया, कोई परेशानी नहीं है, पहले ही हमने यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पे खरीदा था शेयर, पैसे डबल ऑलरेडी है, और चीजें भागती हुई नजर आएगी, और हम यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, देखते हैं मार्केट किस हिसाब से चलती है, क्योंकि मार्केट का व्यू थोड़ा सा मुझे और नेगेटिव नजर आ रहा है, थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, और थोड़ी बहुत और गिरावट होगी तो फिर और ऐड करेंगे, फिर भागेगा शेयर, फिर पैसे बनेंगे, और फिर पैसे बनते ही रहेंगे। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर नीचे है, पिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।